हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कैल्क एनालिसिस में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस, चार्ट के एनालिसिस और डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस, और जानते हैं दोस्तों कल के लिए व्यू। उसके पहले दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए किसी भी लाइव अपडेट के लिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे समरी के ऊपर। समरी में जहाँ पे भी आपको ज्यादा पोजिशन बाहर या अंदर आती हुई दिखाई दे, क्लियर कट समझ लीजिएगा कि ये निफ्टी का पोजिशन है और ये जो है आज एग्जिट हो चुका है क्योंकि आज थी एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट की पोजीशन देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखिए लॉन्ग किया, कॉल पे जो है लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग है। एफआई की बात करते हैं तो फ्यूचर पे लॉन्ग की इन्होंने, कॉल पे सेलिंग की, पुट पे अच्छी खासी क्वांटिटी जो है सेल किया है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट किया है। बात करेंगे प्रो की तो फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे लॉन्ग है और पुट पे ज्यादा क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करते हैं दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग एंड स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। तो ये जो प्रो की जो पुट वाली पोजीशन है, ये बेसिकली जो सेल किया था प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद ये जो एफआई के इंडेक्स पुट की पोजीशन है, ये लॉन्ग थे, इसको इन्होंने आज जो है काटने पड़े, काट दिया, कहाँ का लिया था नो वन कैन से, बट इन्होंने आज काट दिए। क्लाइंट के जो पुट सेल थे उसको इन्होंने प्रॉफिट बुक किया और ये पोजीशन निकल गई, मेजर पोजीशन यही निकली है। अब आइए हम चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, ताकि हमें क्लियर कट ये पता चले कि किस प्लेयर के पास कितनी पोजीशन लॉन्ग एंड शॉर्ट है। बिल्कुल, आप लास्ट तक सेशन को देखिएगा, आपको डिजिटली पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट लेके गया बाजार में। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर पर नजर डालिए, क्लाइंट के पास 64,000 लॉन्ग है, सो लॉन्ग इंक्रीज होते हुए। डीआई के पास सेम पोजीशन ऑलमोस्ट शॉर्ट सेल है, यही के पास भी सेम पोजीशन है, 5000 पोजीशन चेंज है, तो कोई खास चेंज हुआ नहीं है। प्रो के पास आधी पोजीशन हो गई है लॉन्ग की, 43 के सामने 29,000। अब कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 138 जो है कॉल शेल है 150 के सामने, एफआई के पास 28,000 कॉल जो है लॉन्ग है 65,000 लॉन्ग के सामने, और प्रो के पास 110 जो है लॉन्ग है 84 के सामने। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 168 शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 25,000 लॉन्ग है पुट, एफआई के पास 9,000 पुट लॉन्ग रह गया 239 के सामने, सो कुछ पुट है यहाँ पे रिड्यूस किए उन्होंने। प्रो के पास पुट लॉन्ग हो गया 44,000 शॉर्ट के सामने। ये थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट जो है पिक्चर यहाँ पे निकल के आ रही है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 17 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 21 लाख दोस्तों शॉर्ट है, एफआई के पास 140 लॉन्ग है 167 के सामने, और प्रो के पास 318 लॉन्ग है 311 के सामने। सो यहाँ पे जस्ट छोटी सी पोजीशन इंक्रीज है, यहाँ पे छोटी सी पोजीशन क्रीज है, रेस्ट ये जो दोनों पोजीशन है ऑलमोस्ट वही होल्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डेटा को कंक्लूड कर लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया लगे कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, क्योंकि सारी पोजीशन जो बनती है कॉल शेल पुट लॉन्ग इस तरीके से बनाई जाती है, तो उन पोजीशन को हमें कंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्लाइंट के पोजीशन को। तो क्लाइंट के पास देखिए 64,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और इसके बाद 138 जो है कॉल शॉर्ट है, और 168 दोस्तों यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो टोटल क्लाइंट कमिटिंग हो जाएगा, तो क्लाइंट के पास दोस्तों केवल एंड केवल 93,000 लॉन्ग रह गया, ये काफी अच्छी बात है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई के पास देखिए 75,000 का शॉर्ट है और 28,000 का कॉल जो है लॉन्ग है, और 99,000 का दोस्तों पुट लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा, तो एफआई के पास दोस्तों 146 का दोस्तों यहां पे सेल पोजीशन ऑन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास दोस्तों 29,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 110 यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और साथ में 44,000 पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 95,000 दोस्तों लॉन्ग। सो ये अपने पोजीशन लॉन्ग हैज के साथ होल्ड कर रहे हैं, और इनकी जो पोजीशन है दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं अभी भी। आज इन्होंने कैश में भी 3300 समथिंग सीआर की सेलिंग की है, सो आई डोंट नो कि इनके मन में क्या है, ये गोरे जो हमेशा शॉर्ट करके क्यों चल रहे हैं, और बहुत कोई खास पोजीशन होती नहीं है, और मेजोरिटी देखते हैं तो वीक में एक दो दिन बना लेते हैं, हालांकि बनाते हैं जिस दिन अच्छा बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पोजीशन ये लोग एडजस्ट करके ही चल रहे हैं। और क्लाइंट के पास 93,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है, वो भी छिटी फुटी जो है पोजीशन है, मतलब बिखरी हुई है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कल क्या करना है। तो देखिए, मैं हमेशा पिछले दो तीन दिन से यही कह रहा हूँ कि आप लेवल के अकॉर्डिंग काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि लेवल ही हमें सब कुछ
दे रहा है, लेबल ही हमें बचा रहा है और लेबल ही हमें बचाएगा, क्योंकि लेबल है तो सब कुछ है। आज के लिए मैंने स्टूडेंट के लिए जो है 45,600 का एरिया दिया था वॉच एरिया। उस लेवल पे देखिए आप एग्जैक्टली आया मार्केट और वहां से किस तरीके से उसने मूव दिया वन साइडेड। जिसने भी सेलिंग की अगर उसने तुरंत इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं बुक किया तो उसको डेफिनेटली अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर सेल के मौके मिल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपने ओन स्किल से सेल जरूर कीजिए, लेकिन सेल में ज्यादा देर बैठिए मत। अगर आपको बैठना है तो आप लॉन्ग सीट बैठिए। हालांकि अभी तो हम 2 दिन से चल रहे हैं तो तीसरे दिन के लिए जो है कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी सही नहीं होगी लॉन्ग साइड भी बैठने की, क्योंकि वीकेंड भी है, लेकिन आने वाले वीक के लिए भी आपको यही स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए कि सेलिंग अगर कर रहे हैं, मौके मिल रहे हैं बिल्कुल कीजिए, दिखाई दे रहा है तो, लेकिन सेलिंग में ज्यादा देर होल्ड मत कीजिए, जितना मिले लेके भागिए। लॉन्ग साइड से आपको जो है होल्ड करने की जरूरत है और लॉन्ग साइड से ही पैसे अच्छे बनेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं टेक्निकल लेवल पे, शुरू करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 46,570 का, सपोर्ट है दोस्तों 45,655 का। दोस्तों बैंक निफ्टी ने आज काफी जो है अच्छा रिबाउंड किया लोअर लेवल से, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन जो है देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक निफ्टी भी नया हाई लगाने के लिए परेशान है, नए हाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो लेवल है इम्पोर्टेंट वो है यहाँ पे 45,700 के, यानी कि जो लेवल 45,600 का आज रिबाउंड वाला था, रिवर्सल वाला था, थोड़ा सा शिफ्ट होके आप इसको 45,700 पर रखिएगा। ये लेवल जब तक होल्ड है तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है, और कोई भी अगर गिरावट आती है तो वहां पे होपफुली आपको बाइंग दिखाई देनी चाहिए। कल एक ही कैच है यहाँ पे कि कल जो है फ्राइडे है तो कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसके पहले एक राइज मिलना चाहिए। अब गैप डाउन करके प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऐसा तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, बट मार्केट सुप्रीम, जैसा कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कुछ भी हो सकता है। तो हम फोकस करेंगे कि अगर मार्केट 46,500 के एरिया में जाता है तो वहां पे इसका क्या प्रोजेक्शन है। अगर अपर लेवल पे जाके होल्ड नहीं करेगा तो वहां पे एक अच्छा जो है वहां पे सेल बन सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। एल्स अगर देख रहे होंगे कि काफी जो है नेगेटिविटी फैली हुई है, हमेशा होता है जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो नेगेटिव न्यूज आनी आनी है। एक्सिस बैंक की तरफ से आ रही है कि कुछ स्कैम समथिंग 5100 शेयर का जो है, तो उसी के जो है रिस्पेक्ट में आज 2% की फॉल दिखाई दी और कहीं ना कहीं मार्केट को यह बात जो है पता थी, तो जस्ट मुझे लग रहा है कि 2-3% की जो फॉल हो गई या छोटी मोटी और जो है कल फॉल आ सकती है। और अगर थोड़ा न्यूज जो है डेंजर टाइप का हुआ जैसे मार्केट उसको लिया तो थोड़ी बड़ी फॉल जो है वहां पे आ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें नजर रखनी है, जो कि मैंने कल ही आपको हिंट दे दिया था, HDFC बैंक जो कि अच्छे लेवल से रिवर्सल किया और कंप्लीट आज उसी ने बैंक निफ्टी को ड्राइव किया, और इकलौता जो है यही बैंक है जो बैंक निफ्टी को जो है पुश कर सकता है, वो भी बिल्कुल हायर लेवल के लिए, जो कि आपको नए हाई आते हुए दिखाई देंगे और ये बेहतरीन जो है हाई दे सकता है सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक। और आप सबको पता है कि 19 जनवरी को जो है इनकी मीट है, तो इनके जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी इनके ग्रुप हैं, जो भी इनमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं या जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इनके बड़े प्लेयर हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है, तो वहां पे जो है पूरे मार्केट की नज़र होगी कि वहां से क्या निकल के आ रहा है। होपफुली जो है एक अच्छी शेयर के फेवर में जो है निकल के आनी चाहिए, एक अच्छी जो है मीटिंग का आउटपुट आनी चाहिए, लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो अब हमें क्या करना है कल के लिए कि थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना है। सबसे पहले आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो 46,000 पर होनी चाहिए, क्योंकि जो 46,000 के जो सी सेलर थे कॉल सेलर मॉर्निंग में, वो काफ़ी अच्छे तक यहाँ पे जो है ट्रैप हो गए। पहले तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में गए जब वहाँ से बाजार जो है 45,600 के आसपास तक गया, लेकिन जैसे उसने रिबाउंड किया स्लो एंड स्टडी मोड में, तो वो जो है धीरे धीरे ट्रैप हुआ और काफ़ी जो जीनियस लोग थे उन्होंने तो एग्जिट ले लिया, लेकिन कई सारे ऐसे लोग जो एग्जिट नहीं लिए वो अभी से ट्रैप हो सकते हैं। और पॉसिबल है कि जैसे ही बैंक निफ्टी 46,220 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी तो वो फिर एग्जिट लेंगे। कई लोगों को लगेगा कि 46,266 की तो क्लोजिंग दिख रही है, आप 220 पर सस्टेन की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोस्त जब प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है तो 46,208 पे बाजार आ गया है, तो वहां से या सर 218 पे आया हुआ है, तो वहां से 220 का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 218 पे आया हुआ है, 46,218 प्रोविजनल क्लोजिंग है, तो की लेवल जो है लॉन्ग के लिए 46,220 है। अगर 220 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो 200-250 पॉइंट की तेजी आराम से मिल जाएगी। 220 नहीं सस्टेन करेगा तो नीचे थोड़ा स्लाइड हो सकता है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे होशियार रहना पड़ेगा। बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है यहाँ पे 22.75 का, सपोर्ट दोस्तों 21.825 का।
अब देखिए निफ्टी में किस हिसाब से काम करने हैं, निफ्टी तो काफ़ी अच्छे से जो है जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी जो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी मोड में आई जरूर ऊपर है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, मतलब मजे वाली मूव नहीं दिखाई दी। जैसे कि आज एक्सपायरी भी था तो एक जो है फायर वर्क होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि कल ये मूव आती है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है 22,000। इस एरिया में जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट या एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और अगर कोई गैप अप होता है और 22 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करी तो आपको 22,100 तक के प्लस मूव मिल सकते हैं। अगर कोई भी गिरावट आती है तो 21,800 पे इसने बेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अगर कोई गिरावट आएगी तो सबसे पहली जो नज़र आपकी जानी चाहिए 21,800 पे। अगर ये होल्ड होगा तभी बाई करना है, अदरवाइज उस दिन अवॉइड कर देना है, क्योंकि फ्राइडे है तो थोड़ा सा कॉशियस होकर चलेंगे, ज़्यादा जो है बेटर होगा। बट निफ्टी में वो मज़ेदार जो है मूव आई नहीं जो एक्सपायरी के दिन आनी चाहिए, स्पेशली जो बाई के लिए सोच रहे थे। मैंने भी देखा कि 21,900 की कॉल काफ़ी अच्छी थी और बहुत बढ़िया जो है लेवल पे निकाला था 12 के लेवल बाई देने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी अवॉइड कर दी कॉल। नॉर्मली मैं निफ्टी के एक्सपायरी में जो है कॉल देने की कोशिश करता हूँ, और जितने भी लोग एफएनडो के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक एडवाइस होगी, एक जानकारी होगी कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो जस्ट 16 मार्च से जो है प्लान्ड है, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो सारी टेक्निकल एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस, जैसे कि आज हमने जो बैंक निफ्टी का पिन पॉइंट लेवल निकाला था 45,600 जो स्टूडेंट को कल दिया था नाइट में, ये सारे चीजें जो है आप अपने से सीख सकते हैं, और यहाँ पे जो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग जो है कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस तो आप हमारे उस बैच को जो है कैच कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब फाइनेंस निफ्टी के, जिसका रेजिस्टेंस है 2545 का, सपोर्ट है दोस्तों 2245 का। इसने भी 3 दिन जो है बैक टू बैक जो है ग्रीन क्लोजिंग दी है डे हाई पे, काफी अच्छी जो है यहाँ पे देखेंगे तो है कंसोलिडेशन जो है मूव आ रही है, और धीरे धीरे जो है मार्केट बिल्कुल स्लाइटली जो है कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टडी मोड में आगे बढ़ा हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट एक हमारे लिए लेवल आ रहा है वो आ रहा है 2530 का लेवल, ये काफ़ी हमारे लिए अहम लेवल है। अगर 20,530 के ऊपर बाजार होल्ड होने लगे तो इसमें एक मूव आने के जो चांसेज हैं वो बनेंगे फायर वाले, तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल है, आपके लिए ध्यान देना है। और नीचे के लेवल पे जो बड़ा सपोर्ट है वो 2250 का है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आज यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है तो फुल ये सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे 300 पे, 300 से लेके 285। अगर ये लेवल होल्ड है तो आप यहाँ पे बाई के लिए सोचिए, कोई भी छोटी मोटी करेक्शन आएगी अगर ये लेवल दिखाई दे कि होल्ड है तो बाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर करेक्शन शार्प होगी तो अवॉइड करेंगे, प्रॉपर कंफर्म करेंगे एंड देन उसके बाद जो है बाई के लिए सोचेंगे। और बाकी दोस्तों फाइनेंस निफ्टी में जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम हम लोग यही सोचते हैं कि या तो आप उसमें मंडे को ही ट्रेड करें ज़्यादा बेटर होगा, और या तो फिर एक्सपायरी के दिन अगर क्लियर कट मूव है तो ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि लो लिक्विड जो है इंडेक्स है निफ्टी बैंक की तरह, इसमें उतने पार्टिसिपेंट जो है होते नहीं है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे स्टॉक की, तो कल के लिए, तो आज के लिए जो पहला स्टॉक था HDFC बैंक, जिसके ऊपर मैंने बताई थी कि आप नजर रख के चलिएगा और यही डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी के मूव को। और देखिए कितने शिद्दत से बिल्कुल अच्छी चीज है, एकदम सॉलिड कैंडल, ऑलमोस्ट इसको आप मारू जो कैंडल कह सकते हैं उस टाइप की कैंडल बनाया इसने, बहुत अच्छी जो है बाइंग इसने दी है। डेफिनेटली इतने थकावट के बाद, इतनी गिरावट के बाद आज एक जेन्युइन जो है कैंडल दिखाई दी है, अगर इसका फॉलो अप आ गया तो बहुत अच्छा होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की। अब अगला जो स्टॉक है ACC, जिसके ऊपर हम लोग 2650 के ऊपर लॉन्ग के लिए सो सकते हैं विद SL 2635। नेक्स्ट एक और स्टॉक है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, वो है एशियन पेंट, जिसके हमने आज कॉल ऑप्शन दिए थे 3020 के कॉल को दिया था 55 के एरिया में बाई के लिए, 66 तक का हाई लगा था, तो उसको भी आप नजर पे लेके चल सकते हो। बॉटम से रिवर्सल लिया है तो बहुत जो है बेहतरीन एक मौका है, और बहुत बेहतरीन जो है एंट्री यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि आज उसने जस्ट कन्फर्म किया है तो कल हो सकता है कि एक अच्छी मूव फॉलो अप मूव जो है देखने को मिले। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो डीप आईटीएम पे कोई कंक्लूजन दिखाई नहीं दे रहा है, ओटीएम पे देखेंगे तो पुट बाइंग है एंड समवेयर जो एक स्ट्राइक पर जो पुट की बाइंग भी दिख रही है, मैक्स पर जो पुट की राइटिंग ही है। अब हम आते हैं 43,900 के पास में, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कॉल के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं, कॉल की बाइंग हुई है उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्योंकि आज शॉर्ट काफी बने थे, 45,500 पे भी लोगों ने शॉर्टिंग की थी, उन्होंने भी आज अच्छी पोजिशन यहाँ पे निकाली हुई है, और बाकी इधर ओटीएम पे पुट की राइटिंग है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कॉल की बाइंग जो दिखाई दे रही है 45,900 से लेके एंड बियॉन्ड 47,48 आगे तक जो है दिखाई दे रही है।
पुट में देखेंगे तो पुट की राइटिंग है आईटीएम पे, आईटीएम पे डीप, बिल्कुल डीप आईटीएम पे जाके तीन चार स्ट्राइक पे दोस्तों ये पुट की बाइंग है। अब ये कौन बायर है ये आप देख के जो है समझ सकते हैं, वो फुली कोई ना कोई जो है बड़ा प्लेयर है जो कि तीन चार स्ट्राइक पे जो है बाई करने की कोशिश की है और उसने बाई कर दी है। अब लेट्स सी कि ये फॉलो अप आती है कि ये क्लोज करनी पड़ती है पोजीशन, इस पर नज़र जरूर रहेगी। टोटल वाई के बेस पर अगर हम नज़र डालेंगे दोस्तों तो 18 लाख के जो है कॉल सेलर एंड 21 लाख के दोस्तों पुट सेलर हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों उस वाई पे जहाँ से हमें क्लू मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्लू है दोस्तों वो 46,000 का है जिसका कॉल सेलर डेफिनेटली ट्रैप है क्योंकि आप 46,200 के ऊपर जाके बंद हुए हैं और ये उसको पूरे तरीके से ग्रिप में लेने की कोशिश किया इसने, क्योंकि सबसे पहले क्या किया नीचे गया, फिर वो कॉन्फिडेंस में आया, फिर ऊपर आया, फिर गिरा और बाद में खींच के सीधे 46,200 पे क्लोज हो गया। और 46,200 का भी राइटर कहीं ना कहीं ट्रैप है, तो सबसे बड़ा जो ट्रैप है 46,000 का। तो अगर ये 5-10 मिनट 46,200 को होल्ड कर लिया तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग तो जरूर बनेगी। उसके बाद देखेंगे तो सीधे 46,500 पे ही आपका हाईएस्ट वाई है, तो जो सेलर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो 46,000 ही इमीडिएटली सपोर्ट है, सो कोई भी डिक्लाइन अगर आती है और 46,000 होल्ड है तो कोई टेंशन नहीं है, 46,000 अगर ब्रेक होगा तो टेंशन यहाँ पे इंक्रीज होगी। अपसाइड में अगर देखेंगे तो कहीं भी कोई पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा कोई सेल नहीं हुआ है। हाँ, इसके बाद देखेंगे तो सीधे जो सपोर्ट हमें दिखाई देगा 45,500 पे, जो फ्रेश में जो वाई बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया है 46,000 पे दिखाई दिया इधर साइड से, और 45,500 पे दिखाई दिया है जहाँ पे पोजीशन जो है रिड्यूस हुई है, यानी कि जो भी कॉल शॉर्ट थे उनके कॉल जो है शॉर्ट यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन की, तो यहाँ पे देखिए डीप आइटम पे कॉल बाइंग है और बाकी कुछ खास कंक्लूजन नहीं है। मैक्सिमम जो है बाइंग दिख रही है और पुट की राइटिंग दिख रही है नेक्स्ट एक्सपायरी का जो है, जिसकी एक्सपायरी होगी 22 को। इसके बाद देखेंगे दोस्तों इधर साइड में तो यहाँ भी जो है कॉल की बाइंग है, यहाँ पे 2700 से लेके एंड 21750 तक जो है कॉल की बाइंग एंड शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। पुट की राइटिंग है अच्छी खासी यहाँ पे, 21600 पे जो है काफी अच्छा वाई निकला है 35% का, जो कि सेलर था कहीं ना कहीं, जो कि कॉल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दिखा रहा है। और कॉल बाइंग जो है यहाँ पे काफी अच्छी खासी वाई इंक्रीज हुई है जो कि 22,000 का जो है वाई है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में 22,000 पे हाईएस्ट वाई अभी फिलहाल के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 66,000 जो है यहाँ पे टोटल जो है वाई अभी स्टैंड है यहाँ पे। आगे देखेंगे तो कॉल की बाइंग है और डीप ओटीएम पे कॉल की राइटिंग भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे पुट में कहीं बाइंग नहीं है, सिर्फ एक स्ट्राइक पे बाइंग है, तीन क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं है, तीन लॉट है और बाकी पुट की राइटिंग है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे देखेंगे कॉल सेलर से तो 943 के हैं और पुट पे जो है 976। तो निफ्टी का डेटा कोई खास नहीं है, देखा भी होगा अपने एक्सपायरी में कोई खास मोबाइल नहीं जिस हिसाब से एक्सपायरी में आनी चाहिए, तो निफ्टी बिल्कुल बैलेंस चल रही है, एक शिद्दत के साथ जो है आगे बढ़ रही है और होपफुली जो है कहीं ना कहीं चल के तो भागेगी। तो मे भी हो सकता है कि जब 22,120 का लेवल ब्रेक करे तब जाके सरपट भागे, अब तब तक जो है बिल्कुल ये स्टडी मोड में चलेगी। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जब नीचे आती है तो जल्दी होल्ड नहीं कर रही है, नीचे से आने के बाद तुरंत जो है इमीडिएटली रिकवर हो जाती है। इसलिए मॉर्निंग में देखा होगा कि जो मैंने पुट दिया था उसको इमीडिएटली कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दिया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि लॉस मेकिंग पोजिशन हम होल्ड करते नहीं है, तो जहाँ पे दोस्तों हमें रिस्क दिखता है कि यहाँ पे रिस्क हो सकती है तो हम वहाँ पे एग्जिट देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 53 का हाई लगा, हमने बता दिया कि एग्जिट यहाँ पे प्रीमियम लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने गौर किया कि वो निफ्टी की जो प्रीमियम थी वो बढ़ नहीं रही थी, हालांकि स्पॉट में प्राइस गिर रही थी, तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि कहीं से भी धोखा हो सकता है। हालांकि उसके बाद प्रीमियम कुछ बढ़ी, लेकिन उतने बढ़ने के लिए हम प्रीमियम के लिए कभी ऑप्शन होल्ड नहीं करेंगे, वो भी एक्सपायरी के दिन, इसलिए मैंने बोला कि क्लियर जो है वहाँ पे एग्जिट ले लीजिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस टाइप के हेल्प से जो है आपको जो है कहीं ना कहीं हेल्प मिलता होगा, और बाकी हमारे सेशन से जो है आपको डेली के सेशन में जो हेल्प हो रहे होंगे। फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, और दोस्तों सीखने के बारे में जरूर सोचिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।